हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि वर्मा की गाइडलाइन शो। तो वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैंप सीजन 8 शुरू हो चुका है और बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन ऑडिशंस देने के लिए गए थे। पंजाब के कुछ शहरों में ये ऑडिशंस हुए थे, ऑफलाइन ऑडिशंस हुए थे और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज भी जिनको पता नहीं चला कि ऑफलाइन ऑडिशंस हुए थे वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैंप सीजन 8 के। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप वाइल्ड कार्ड एंट्री की एक उन्होंने ऑप्शन रखी है वॉइस ऑफ पंजाब वालों ने। सो वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 8 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपने गाते हुए की 2 मिनट की वीडियो बनाकर उनको व्हाट्सएप करनी है, जो नंबर मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ऑनलाइन ऑडिशन है। आपने PTC पंजाबी के ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वीडियो बनाकर उनको व्हाट्सएप करनी है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपने वीडियो बनाकर उनको व्हाट्सएप करना है उसमें कोई म्यूज़िक यूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर वॉइस में आपकी आवाज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपने बारे में ज़रूर लिखकर उनको व्हाट्सएप करें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपकी एज क्या है, ये सब चीज़ें आप ज़रूर लिखें। रीज़न कि उनको पता रहे कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उनको गाने की वीडियो के साथ साथ आप अपने बारे में बताकर उनको मैसेज ज़रूर करें, जो व्हाट्सएप नंबर मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ये चीज़ आपको समझ आ गई। और तीसरी चीज़ ये कि वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 8 में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे सिंगर्स हैं, गुरनाम भुल्लर, मैनी ऑफ सिंगर्स हैं जो वॉइस ऑफ पंजाब से ही निकले हैं, रंजीत बावा वॉइस ऑफ पंजाब से बने हैं। सो बहुत सारे सिंगर्स हैं जो रियलिटी शोज से ही आज आगे आए हैं, रोशन प्रिंस भी रियलिटी शो से ही निकले हैं। सो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो रियलिटी शोज से ही बने हैं, निमृत खैरा भी वॉइस ऑफ पंजाब से ही बने हैं। तो इसलिए आपको वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैंप सीजन 8 में ज़रूर जाना चाहिए। रीज़न कि आप आने वाले समय में जब बड़े हो जाएं तो वॉइस ऑफ पंजाब के जो बड़ी एज के शोज़ होते हैं उसमें आपको इजीली पार्टिसिपेशन भी मिल सकता है और साथ ही साथ आप एक अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं। तो आप अगर वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 8 छोटा चैंप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 8 साल से लेकर 14 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपकी एज 8 साल से लेकर 14 साल के बीच में आती है तो आप ऑडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना है कि आपने एक वीडियो बनानी है गाना गाते हुए की, उस वीडियो को आपने व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। ये PTC पंजाबी का ऑफिशियल नंबर है, इस पर कॉल मत कीजिएगा, ना ही व्हाट्सएप वॉइस कॉल करिएगा, ना ही नॉर्मल कॉल करिएगा। आपका काम है सिर्फ मैसेज करना, वो अपने आप देखेंगे, अपने आप सीन करने के बाद अगर उनको शॉर्टलिस्ट करना रहेगा आपको तो वो आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो आप शॉर्टलिस्टेड नहीं हैं, यानी आप सिलेक्ट नहीं हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर भी कोई भी मन में क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रवि वर्मानी के नाम से मेरी आईडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि किस स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हैं, अगर आप पंजाबी हैं, आपके पेरेंट्स में से कोई ना कोई पंजाबी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको पंजाबी लैंग्वेज अच्छे से बोलना आता है, पंजाबी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना आता है, पंजाबी लैंग्वेज में सॉन्ग्स गाना आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको अगर पंजाबी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप PTC पंजाबी के द्वारा जो शो स्टार्ट हुआ है वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 8 छोटा चैंप, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही सपोर्टर पर बनाए रखें। थैंक यू, बाय।